न्यू स्थित विश्व हिंदू परिषद विश्व संवाद केंद्र पर आयोजित प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा है कि रामनवमी के पावन कार्यक्रमों पर एक समुदाय द्वारा हिंसक हमले किए जा रहे हैं। उड़ीसा और गोवा जैसे शांत माने जाने वाले प्रदेश में भी चीत की हमारे संवाददाता सुनील पंडित ने हाल ही के दिनों हिंदुओं पर बढ़ते हमले और उनके पलायन को लेकर चिंता व्यक्त करते विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या हैं। पूरे देश में 50 स्थानों पर रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हिंसक हमले किए गए, अभी भी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। गोवा, उड़ीसा, जहां पर जेहादियों के हमलों का इतिहास नहीं है, इस बार वहां भी हुआ। क्यों, कैसे घर पर पत्थर इकट्ठे हो गए, कैसे घर पर तेजाब की बोतलें आ गई, कैसे अवैध हथियार लहराते हुए सड़कों पर उतर गए, कैसे हमले से 3 घंटे पहले मुस्लिम समाज ने दुकानें बंद करके सड़कों पर आ गए। यह एक योजनाबद्ध षड्यंत्र था और ये हिंदुओं पर हमले नहीं, ये आतंकवादी हमले थे, इसलिए इन पर NSA के अंतर्गत कार्यवाही होनी चाहिए। हर दंगाई को एक आतंकवादी मानकर उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। जो सरकारें इन पर रोक लगाने की जगह हिंदुओं पर रोक लगा रही हैं, राजस्थान में तुम शोभा यात्रा पर रोक लगा रहे हो, ये वैसा ही है ना कि एक महिला का शील भंग हुआ और तुम महिला को ही कहो कि तुम सभ्य कपड़े पहनकर निकलो। कौन तय करेगा क्या सभ्य है और क्या नहीं? क्या तुम तय करोगे? क्या भड़काऊ है? वो मेरी भारत माता की जय कहने पर भड़कते हैं, वंदे मातरम कहने पर भड़कते हैं, जय श्री राम कहने पर भड़कते हैं, मेरे कपड़ों पर भड़कते हैं, मस्जिद में न जाने पर भड़कते हैं। जय श्री राम ही नहीं, वो महाराणा प्रताप की जिंदाबाद पर भड़कते हैं। तो क्या मैं उनके भड़कने की चिंता करूं? मुझे अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, यही अधिकार लेने के लिए हम सड़क पर उतरने को तैयार हैं। इसलिए अगर गहलोत जैसे लोग जिहादियों के साथ खड़े होते हैं, उनको अकल रखनी चाहिए, पिछले इतिहास से अनुभव लेना चाहिए। जब वो पिछली बार थे तब भी इन्होंने ऐसी ही कोशिश की थी, क्या हिंदू समाज को रोक पाए थे? अब भी नहीं रोक पाओगे। इसलिए मैं साफ कहता हूं, शोभा यात्रा पर रोक लगाने वाली कांग्रेस, तुम्हारी शव यात्रा बहुत जल्दी निकलने वाली है। सिमटते जा रहे हो, अब तुम खत्म होने के कगार पर हो। जो हिंदू का दमन करेगा, त्योहारों पर रोक लगाएगा, उसको यह देश स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी शासित सरकार हो या गैर बीजेपी शासित सरकार हो, हिंदुओं पर हमले और उनके पलायन बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है? मुझे लगता है बढ़ते जा रहे हैं नहीं, आप 47 से अब तक का इतिहास देखेंगे तो ध्यान में आएगा, पलायन बढ़ नहीं रहा, पलायन रुक रहा है। पहले पलायन हो रहा था शामली से, कैराना से, मुजफ्फरनगर से, कांधला से, वहां रुका है कि नहीं? पहले पलायन हो रहा था अहमदाबाद से, भरूच से, सूरत से, वो रुका है कि नहीं? पहले पलायन हो रहा था दिल्ली के सीलम विहार से, शाहदरा से, शिव विहार से, शाहीनबाग से, वो रुका है कि नहीं? मुझे लगता है थोड़े ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अब हिंदू पलायन में विश्वास नहीं कर रहा, पराक्रम में विश्वास कर रहा है। सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा और सार्वजनिक भूमियों पर अजान और वहां पर मजार बनाने का प्रयास करना, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कानून का सम्मान करवाना चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव होकर नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति पर से अवैध कब्जे हटाइए, उनकी निगाहें केवल कुछ मंदिरों पर जाती हैं, मजारों पर नहीं। वो मजार कैसे बन गई जहांगीरपुरी में पुल के ऊपर, और कहते हैं 50 से मजार है, जबकि पुल 4 पहले बना है। वो हवा में लटक रही थी क्या? उस पर कार्यवाही नहीं, लेकिन चांदनी चौक में 150 पहले बने हुए मंदिर को तुम तोड़ दोगे? ये सेलेक्टिवनेस हमको स्वीकार नहीं, इसलिए कानून का पालन करो, सबके लिए समान। दिल्ली से सारा समय के लिए सुनील।